मैंने पूछा भाई को इधर कोई एक्सपेंसिव बोट है जो कि सबसे ज़्यादा महंगी हो, मतलब लग्जरी टाइप की हो। देखिए भाई कुछ इस तरह का स्टेशन है यहाँ पे। हाउ मच हुलू माले? 10। हेलो नमस्कार दगड़ियों, विदेशी धरती से मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और मेरा नाम है पवन नोटियाल, मैं मालदीव में अभी जॉब भी करता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ। आपको पता है लड़के लोगों को बहुत चुल रहती है कुछ ना कुछ करने की, तो देखो भाई मैंने भी स्टैंड उठा लिया और मैं भी चल बसा रोड पे ब्लॉगिंग करने। यार जो भी मेरे वीडियो देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करो यार। यार मैं अभी मालदीव में हूँ और मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ से ट्रैवल करने वाला हूँ बोट में, और दिखाने वाला हूँ आप लोग इधर का बोट कैसा है, क्या है और कितना उसका किराया है, क्योंकि मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाता रहता हूँ। आप लोग मेरे को सपोर्ट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें। मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी है तो आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है यार। यार काफ़ी लोग जानना चाहते हैं मालदीव के बारे में, और क्योंकि मालदीव एक टूरिस्ट प्लेस है और इधर लोग काफ़ी लोग घूमने भी आते हैं, आजकल ज़्यादातर लोग जॉब करने भी आते हैं इंडिया से। तो मैं इस वजह से मैं सबको अच्छे से इंफॉर्मेशन देता हूँ, और यार अपनी आदत है स्टैंड उठाए, फ़ोन उठाए और चल बसे भाई। अपने पास एक मोबाइल है ब्लॉगिंग करने के लिए, तो इससे ब्लॉगिंग करता हूँ। फिर भी यार कोशिश करूँगा आप लोगों को अच्छे से बताने की, और आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखिए। तो गाइस मैं आ गया अभी फेरी बोट के स्टेशन में, जो कि कुछ इस तरह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए भाई कुछ इस तरह का स्टेशन है यहाँ पे, ये देखिए फेरी बोट का स्टेशन। यहाँ से हम अंदर जाएंगे, एंट्री करेंगे और वहाँ से बाहर आते हैं। तो गाइस मैं टिकट लेता हूँ, देखता हूँ कितना है क्या है, कैसा सिस्टम है इधर का। यहाँ पे भी लोग खड़े हैं कुछ इस तरह का भाई। यहाँ पे देखिए काउंटर, टिकट काउंटर है और एक ही आदमी बैठा है यार। एक्सक्यूज मी हाउ मच हुलू माले? 10। आप टिकट अपडेट कर आप। तो गाइस मैंने टिकट काट लिया, मैंने 100 रुपये दिए थे और मेरे को 90 रुपीज़ वापस आया है, और 10 रुपये का टिकट पड़ा है भाई। यहाँ से उल्लू मालिक कम से कम 5 किलोमीटर होगा यार। आधा टिकट आंटी ने काट के ले लिया, आधा मेरे पास है। अब अभी हम वेट करेंगे 12:30 बजे तक कुछ ऐसा इधर बैठने के लिए। टिकट लेने के बाद जब आपका बोट होगी तो आप यहाँ से बाहर जा सकते हो, वहाँ से सीधा। देखिए ऐसी चेयर लगी है इधर। तो गाइस काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे बैठे हुए, अभी तक बोट नहीं आई है। 12:30 बजे का टाइम है, अभी भी 10 मिनट बाकी है शायद। हाँ अभी भी 10 मिनट बाकी है, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा बोट के लिए। तो गाइस फाइनली बोट आ गई है और ये देख सकते हो भाई, यहाँ पे थी हुल्लू माले की नंबर फर्स्ट पे 12:30 बजे की, और ये नीचे है दीफोसी फेरी राजू फेरी भाई, ये आइलैंड का है। और देखिए कुछ इस तरह बाहर, देखिए प्रीमियम लिंक इसका नाम है कुछ इस तरह यार, देख सकते हो। ऊपर भी है शायद बैठने के लिए।
यार मैं पीछे वाली सीट पे बैठ गया हूँ। मैं जैसे अंदर घुसा पूरा ठंडा है, एकदम पूरा कोल्ड है भाई। एसी उसी चालू है इधर, चारों तरफ लगी है, चार एसी लगी है। और ये देखिए यहाँ से पीछे का दरवाजा है, देख सकते हो। और ये भाई इधर का टॉयलेट कुछ ऐसा। यहाँ पे शीशा लगा है और यहाँ पे हैंड वॉश है, काफी क्लीन है, देख सकते हो पूरा क्लीन है। और ये इधर का टॉयलेट है और देखिए यहाँ से थोड़ा हवा आने के लिए, हवा जाने के लिए है। ये देखिए, देख सकते हो इस तरह की कुछ बोट है यार इधर, और बोट लगता है चालू होगी। ब्रो यार इस लग्जरी बोट है ना, लग्जरी बोट, लग्जरी बोट यार। मैंने पूछा भाई को इधर कोई एक्सपेंसिव बोट है जो कि सबसे ज़्यादा महंगी हो, मतलब लग्जरी टाइप को। तो भाई बोला इधर मतलब कुछ ऐसी बोट नहीं है, सेम ही है, मतलब सब सेम है, सब एक जैसी है। और थोड़ा महंगी वो है जो हम अगर टूर का ट्रिप करें तो वो थोड़ा महंगी लगती है, और तो सेम है और सेम फैसिलिटी है। तो किसी किसी में खाना भी है, जिसमें खाना होगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा महंगा होगा। तो गाइस फाइनली उल्लूमाले पहुंच गए। देखिए भाई कुछ इस तरह है भाई इधर। यहाँ से हम बाहर आ गए और यहाँ से लगते हैं दूसरी जगह से बोट लेने के रास्ते हैं। तो गाइस ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, उल्लूमाले से माले जाएंगे तो उसका भी 10 रुपये है, तो काफ़ी चीप है यार। और मैंने ये भी पूछा कि इधर कोई लग्जरी बोट है जो कि हम स्पेशल जो होती है घूमने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, तो भाई ने बोला इधर ऐसा कुछ है नहीं, सब सेम है। और जो मतलब आइलैंड में जाती है, दूर दूर आइलैंड में, उसका प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा टिकट, और कुछ नहीं, मतलब सेम ही है। दूर का थोड़ा ज़्यादा रहेगा और पास का तुम्हारा ऐसे रहेगा, जैसे इधर का तो 10 है। तो यार बोट के अंदर काफ़ी अच्छा है, मैं अंदर घुसा तो काफ़ी ठंडा लगा मेरे को, बाहर बहुत धूप लग रही थी तो अंदर गया काफ़ी ठंडा है। चार एसी लगी है उसमें और चारों चालू थी, और अंदर टॉयलेट बहुत ही क्लीन था, बहुत ही। ये कुछ ऐसा व्यू है और ये देखिए काफ़ी अच्छी जगह है। तो गाइस आपको कैसी लगी वीडियो यार कमेंट में बताओ, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि मैं यार आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं और मैं मोटिवेट हो सकूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।